इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जयपुर के चोमू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया है ये पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी देवराज के खिलाफ दर्ज कराया गया है केस। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू कराने, पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही आपको बता दें कि विधवा महिला थी जिसके साथ दुष्कर्म की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जयपुर के चोमू से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया है ये पूरा मामला। बड़ी और अहम जानकारी, आरोपी देवराज के खिलाफ दर्ज करवाया गया है ये केस। तो पुलिस मामले की जांच भी कर रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां जयपुर के चोमू से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, जहां विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। तो बड़ी खबर, विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जयपुर के चोमू से इस वक्त की बड़ी जानकारी।